डकार रैली 2024 में भारत की हीरो मोटोकॉर्प ने इतिहास बना डाला। हीरो भारत की पहली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बनी जिसने डकार रैली में जीत हासिल किया है। किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि स्प्लेंडर जैसी इकोनॉमिकल बाइक बनाने वाली इंडियन कंपनी दुनिया की सबसे खतरनाक रैली रेस में सेकेंड पोजिशन हासिल करेगी। ये सचमुच हर एक भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। इसलिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हीरो पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में ऑर्गेनाइज किए गए कई रैली रेसेस में काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही थी। 2022 में हीरो ने सिंगल स्टेजेस पे जीत हासिल किया था, वहीं 2023 में हीरो ने डबल स्टेजेस पे जीत हासिल किया, लेकिन इस साल 2024 में हीरो ने डकार रैली में ओवरऑल सेकेंड पोजीशन यानी कि पोडियम पोजीशन पे आकर इतिहास रच दिया। Ross Branch quickly showed that he wasn't in Saudi Arabia to make up the numbers. The man from Botswana took the stage one victory and spent most of the first week in the overall lead. By rest day, he was only 51 seconds off the pace. Dakar Rally में bike category में winner list की बात करें, तो first position पे Honda की team रही है, जिसके racer थे Ricky. सेकेंड पोजीशन पे हीरो मोटर स्पोर्ट्स की टीम रही, जिसके ड्राइवर थे बोट्सवाना के रॉस ब्रांच। हीरो की टीम नंबर वन पोजीशन से सिर्फ 10 मिनट पीछे थी। वहीं थर्ड रैंक पे होंडा की टीम थी, जिसके ड्राइवर थे एड्रियन वान। वहीं फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे केटीएम की बाइक्स थी। हीरो ने पूरी दुनिया को भारत की कैपेबिलिटीज़ को सबके सामने ला दिया है। हीरो ने दिखा दिया कि भारत सिर्फ लोकल लेवल की इकोनॉमिक बाइक प्रोड्यूसर नहीं है, बल्कि इंडियन बाइक्स वर्ल्ड लेवल पे भी मोस्ट रिलायबल हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हीरो मोटर स्पोर्ट्स के इस ग्रैंड विक्ट्री में ड्राइवर रॉस ब्रांच का सबसे बड़ा योगदान है। सैंतीस साल के रॉस ब्रांच काफी एक्सपीरियंस्ड और माहिर ड्राइवर हैं। बोट्सवाना टोयोटो 1000 डेजर्ट रेस, जो कि दुनिया की सबसे टफेस्ट रेस में से एक है, इसमें रॉस ब्रांच ने 2011 से 2018 तक लगातार नंबर वन पोजीशन हासिल किया था, जिसके बाद उन्होंने डकार रैली में हिस्सा लेने का फैसला किया। 2019 में वे केटीएम टीम के साथ ज्वाइन हुए और उस साल के डकार रैली में उन्होंने 13th पोजीशन हासिल किया था। 2021 में यामाहा की टीम का हिस्सा बने, लेकिन 2021 और 2022 दोनों साल में वो कोई भी स्टेज में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। उन्हें काफी हेट भी किया जाने लगा, उनके कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द कर दिया गया। तब ऐसे मुश्किल समय पे भारत की हीरो मोटर स्पोर्ट्स ने उन पे भरोसा दिखाया। 2023 की डकार रैली में रॉस ने हीरो को 2 स्टेजेस में जीत दिलाई। उस साल हीरो की ओवरऑल रैंकिंग 26 थी। ये हीरो की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। लेकिन 2024 के डकार रैली में ओवरऑल नंबर 2 पोजीशन पे आकर अपने कैरियर का बेस्ट रिकॉर्ड बना दिया। रेस जीतने के बाद वे अपने हीरो की टीम को अप्रिशिएट करते करते भावुक हो गए थे। डकार रैली को दुनिया का सबसे टफेस्ट रेस कहा जाता है। इस रेस के दौरान 80 से ज्यादा हाईली प्रोफेशनल रेसर्स की मौत भी हो चुकी है। 2020 डकार रैली हीरो मोटर स्पोर्ट्स के लिए काफी दर्दनाक रहा था, क्योंकि हीरो के रेसर पॉलो गोनकाल्व्स की मौत रेस के दौरान हुए एक्सीडेंट के कारण हो गई थी। पॉलो गोनकाल्व्स काफी एक्सपीरियंस्ड रेसर थे। वे 2006 से लगातार डकार रैली में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने
चार बार टॉप 10 लिस्ट में क्वालिफाई किया था। 2015 में उन्होंने सेकेंड पोजीशन भी हासिल की थी पुर्तगाल के पॉल गोनकाल्व्स। 2013 के क्रॉस कंट्री रेस में वर्ल्ड चैंपियन भी थे। On the challenging stage. Right to the last, he held the gap to Price, but disaster struck, almost within sight of home. के डकार रैली जीतने के बाद हीरो की टीम ने अपनी जीत का क्रेडिट पॉल गोनकाल्व्स को दिया है। हीरो मोटरस्पोर्ट्स के डकार 2024 में जीत इसलिए भी खास है क्योंकि ये अब तक की सबसे टफेस्ट डकार रैली थी जिसमें रेसर को 8000 किलोमीटर का सफर तय करना था और इस रेस के रूट्स काफी खतरनाक रेगिस्तान पहाड़ और नदियों के बीच से था। किसी भी राइडर या बाइक्स के लिए ये काफी चैलेंजिंग था। दुनिया भर के कई लीडिंग बाइक मैन्युफैक्चरर इस रेस में काफी पीछे रह गए थे लेकिन फिर भी अब तक के सबसे टफेस्ट डकार रैली रेस में रॉस ब्रांच ने हीरो बाइक के साथ हीरो मोटोकॉर्प को जीत दिला दिया। तो चलिए अब हीरो की 450 रैली बाइक के बारे में जानते हैं जिसके दम पे हीरो ने ये रेस जीत पाई है। इस जीत के बाद ही हीरो की 450 रैली बाइक ने दुनिया भर में अपनी पहचान हासिल कर ली है। इस बाइक को जर्मनी में मौजूद हीरो की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया गया है। इस बाइक को बेहद सावधानी से इस तरह से बनाया गया है ताकि ये किसी भी तरह के टेरेन का सामना कर सके। इसमें 449 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन है जो करीब 55 PS का पावर जनरेट करता है। इसके चैसिस को क्रोमियम स्टील से बनाया गया है। इसके बॉडी को बनाने में कार्बन केवलार का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसे बेहद मजबूत और हल्का बनाता है। कार्बन केवलार बॉडी के कारण इसका वजन भी मात्र 149 kg का है। डकार रैली में राइडर्स को सैकड़ों किलोमीटर तक लगातार चलते रहना पड़ता है। उन्हें ऐसे इलाके और रास्तों से गुजरना पड़ता है जहां इंसान ने पहले कभी कदम भी नहीं रखी है, इसलिए रूट की सटीक जानकारी के लिए उनकी बाइक्स में काफी एडवांस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स लगे होते हैं जो राइडर्स को गाइड करते हैं। किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशंस में महज कुछ मिनटों में राइडर्स अपने पास हेलीकॉप्टर को बुला सकता है। राइडर को हाइड्रेटेड रखने के लिए उसमें 3 वाटर स्टोरेज टैंक होते हैं और आगे और पीछे 2 फ्यूल टैंक्स लगे होते हैं जो वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। और किसी भी रैली बाइक के लिए वेट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। इस तरह के कई छोटे से छोटे डिटेल्स पे काफी गहराई से रिसर्च करके हीरो ने इस लेजेंडरी 450 रैली बाइक को बनाया है और इन्हीं सब फैक्टर्स के कारण हीरो 450 रैली बाइक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रैली बाइक्स में से एक बन गई है। भारत में डकार रैली को बहुत कम लोग ही फॉलो करते हैं। जो डकार रैली के बारे में जानते हैं वे इस जीत के इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझ रहे होंगे। हीरो को जीत दिलाने वाले बोट्सवाना के राइडर रॉस ब्रांच को आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं ताकि उन्हें भी मोटिवेशन फील हो, उन्हें भी पता चले कि उनके सपोर्ट में 150 करोड़ भारतीय खड़े हैं। हीरो ने अपने टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज को दुनिया के सामने पेश करने के लिए 2016 में हीरो मोटरस्पोर्ट्स को क्रिएट किया था और बेहद कम समय में हीरो ने दुनिया को दिखा दिया कि ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज बेस्ट क्यों कहा जाता है। इस जीत के बाद हीरो मोटोकॉर्प के CEO, चेयरमैन और MD डॉक्टर पवन मुंजल ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक पल है ना सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए। हीरो के इस जीत की एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल डकार रैली 2024 में हीरो के 4 राइडर्स ने हिस्सा लिया था और रेस के शुरू होने के एक हफ्ता के भीतर ही 4 में से 3 राइडर्स या तो एक्सीडेंट या फिर इंजरी के कारण रेस से बाहर हो गए थे और अंत तक अकेले रॉस ब्रांच ने ही अपने दम पर हीरो को जीत दिला दिया। ये सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखें। धीरे धीरे भारत में भी मोटर स्पोर्ट्स काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। 2024 का धमाकेदार बिगनिंग इंडियन मोटर कम्युनिटी के लिए भी काफी अच्छा रहा क्योंकि इस साल भारत के एक राइडर ने डकार रैली 2024 में इतिहास रच दिया।
भारत के हरित नोवा डकार रैली 2024 में टू क्लास जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके अलावा नोवा ने स्टेज 8 और स्टेज 10 को फास्टेस्ट टाइम में कंप्लीट करके रिकॉर्ड बना दिया। ओवरऑल बाइक कैटेगरी में भी हरित नोवा की रैंकिंग 11th रही, जो कि सचमुच काफ़ी इम्प्रेसिव है। हरित नोवा सेरको की बाइक इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंडियन कंपनी TVS बैक्ड है, और हरित नोवा को भी TVS सपोर्ट करती है। हरित नोवा से पहले हीरो मोटर स्पोर्ट्स के ड्राइवर CS संतोष भारत के पहले रेसर बने थे जिन्होंने डकार रैली को कंप्लीट किया था। वह 2023 में रेस के दौरान इंजर्ड हो गए थे, जिस कारण से वे इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, और हम सब उनके स्पीडी रिकवरी के लिए प्रे करते हैं ताकि वो 2025 में वापस कमबैक कर सके। मोटर स्पोर्ट्स को काफ़ी खतरनाक और जानलेवा खेल माना जाता है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये जानलेवा है भी, लेकिन ये डर से जीतने की प्रेरणा देता है। ये इंसान की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी को जगाए रखता है और हमें कुछ असंभव करने का चुनौती देता है, और कुछ लोग होते हैं जो इन चुनौतियों को स्वीकारना पसंद करते हैं।